नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान चौक और राजस्थान चौक पर आज हमारे साथ मौजूद हैं कर्मचारी नेता सूरज प्रकाश चाक। आज उनसे बातचीत करेंगे। इनका 11 दिन से कर्मी अनशन चल रहा है शहीद स्मारक पर और 5 प्रमुख मांगे हैं, उन्हीं पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है राजस्थान चौक स्टूडियो में। आज हम बात करेंगे, आप पिछले 11 दिन से कर्मी अनशन कर रहे हैं, आप सरकार के खास माने जाते हैं, सीएम के नज़दीकी माने जाते हैं, उसके बावजूद आपकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। मंत्रालय एकता मंच के बैनर तले पिछले 16 मार्च से 5 सूत्री मांग पत्र को लेकर क्रमिक अनशन चल रहा है। रोजाना अलग अलग विभागों के 5 कर्मचारी क्रमिक अनशन पर 24 घंटे में बैठते हैं और दूसरे दिन जब दूसरे विभाग के कर्मचारी आते हैं जब वो उठते हैं। जहाँ तक सरकार के नज़दीक मुख्यमंत्री के नज़दीक का प्रश्न है, इसमें दो राय नहीं। हमने मुख्यमंत्री जी के लिए काम भी किया है और जो सरकारें होती हैं वो उसी को नज़दीक मानती है या मानते हैं कि जो जिनके पास कुछ मैन पावर हो। मैं अगर ये सीधे तौर पे कहूँ तो वोट कितने कोई आदमी दिला सकता है, चाहे वो कर्मचारी नेता हो चाहे वो कॉलोनी का लीडर हो। हमने 24 नवंबर को भी मुख्यमंत्री जी से, धर्मेंद्र राठौड़ जो आज RTDC के चेयरमैन हैं उनके नेतृत्व में, इनके बारे में पहले बता दूं, जो आज जो धर्मेंद्र राठौड़ जो RTDC के चेयरमैन हैं वो 15 साल पशुपालन विभाग में कनिष्ठ लिपिक से नौकरी छोड़ के VRS लेकर आए थे। वो पूरी भलीभांति जानते हैं और बाबू वर्ग से आए वो। तो इनके नेतृत्व में हम 24 नवंबर को मुख्यमंत्री से मिले थे और लगभग 1 घंटा हमारी CMR में बातचीत हुई थी केवल इन्हीं बातों को लेकर। हमारी मुख्य मांग तो देखो ये है कि हमें जो अधीनस्थ सबोर्डिनेट में जो बाबू लोग मिनिस्टर कैडर के लोग काम करते हैं उनका वेतन सचिवालय के बराबर किया जाए, ये हमारी मूल मांग है। 5 सूत्रीय अमराज मंगाई। लेकिन सचिवालय के जो कार्मिक है वो तो आपको लेकर लगातार विरोध करते हैं कि हम तो क्रीम हैं जो सबसे पहले हमारे को अच्छे नंबर आए उसके बावजूद सचिवालय मिला, अब आप उनसे तुलना क्यों कर रहे हैं? नहीं, हमारा तुलना करने का मतलब यही है, 1998 तक सचिवालय और अधीनस्थ सबोर्डिनेट के कर्मचारियों का वेतन भत्ते बराबर थे। आज राजस्थान विधान विभाग में चल जाओ, PSC में चल जाओ, सब में हमारी एक ही एजेंसी है जो नियुक्ति करती है, एक ही क्वालिफिकेशन है जो नियुक्ति करती है। सिर्फ थोड़ा बहुत जो है कि वो मेरिट के आधार पर, जैसे मान लो कनिष्ठ लिपि की भर्ती निकाली तो जो मेरिट में फर्स्ट मेरिट में आएगा उनको सचिवालय नियुक्त करते हैं। आज वो बैरिक भी हट करके और आज वो जो मेरिट में आते हैं वो सचिवालय में भी जा सकता है। तो हमारा मूल जो मांग है वो ये सचिवालय के बराबर। तो विरोध हमारा वहाँ के नेताओं ने भी नहीं किया, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में कपिल देव जी हैं, तो उनसे हमारी बातचीत भी हुई कि हमने एक बार ही मुख्यमंत्री जी से नहीं कहा कि साहब इनको मत दो। उन्होंने को ये आपत्ति जरूर थी कि आप सचिवालय के बराबर समकक्ष की बात आप मत बोलो। मैंने कहा इसको हम नहीं बोलेंगे, हम ये कह देंगे भाई अधीनस्थ मंत्रालय वर्ग कैडर रिव्यू करें। जब से उनसे हमारी बात हुई हमने अब वो सचिवालय पैटर्न ना बोल करके हम मुख्यमंत्री जी सरकार से हमारा कोई ज्ञापन भी जाता तो उसमें कहते हैं भाई अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारी को कैडर रिव्यू करें। कैडर रिव्यू का मतलब समझ जाएगा भाई, ठीक है उसमें 42 ग्रेड पे भी आ जाएगी, वो सब सारी चीज़ें आ जाएगी, तो उससे सचिवालय वाले भी संतुष्ट रह जाएंगे कर्मचारी। हाँ, सचिवालय वाले संतुष्ट हो जाएगा, अभी 250 पद क्रिएट हुए हैं सर, सरकार ने 250 पद क्रिएट कर दिए। लेकिन वो इसलिए किए कि वो प्रशासन के नज़दीक रहते हैं इसलिए जल्दी सुनी जाती है, ऐसा है? हाँ नहीं, देखो काफ़ी हद तक वो प्रशासन का अंग तो हम भी हैं, मंत्रालय वर्ग भी है, और देखो कुल मिला के जो सरकार योजनाएं बनाती है किसी भी कोई भी फ्लैगशिप योजना हो किसी भी योजना हो, तो बेसिकली अगर इसको इम्प्लीमेंट
फर्स्ट ऑफ ऑल करता है तो वो है मिनिस्टर कैडर। आज कोई भी कागज़ ऑफिस में आता है, चाहे वो सचिवालय में आओ, चाहे वो किसी भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट में आओ, चाहे निचले स्तर के ऑफिस में आओ, पहला काम जो रिसीट का होता है वो बाबू करता है और आखिरी काम। लेकिन वो सरकार नहीं मान रही ना आपको कि आप इम्प्लीमेंट करते हो, वो तो सचिवालय पे फोकस करती है। अल्टीमेटली वहाँ तो सिर्फ एक पॉलिसी मेटर को ही इम्प्लीमेंट करते हैं सचिवालय वाले तो, और जो ऑल ओवर राजस्थान में जो हम 70,000 बाबू लोग हैं जो विभिन्न विभागों में, चाहे वो RTO में देख लो, PDWD में देख लो, कृषि में देख लो, ये जितने लोग हैं वो इम्प्लीमेंट में उनकी भागीदारी है, सचिवालय वालों की भागीदारी है। तो आपके जो आप पहले तो देखो 5 मांगे हैं जो आप एक कह रहे हैं कि हमारा जो कनिष्ठ जो लिपिक है उसका प्रारंभिक वेतन है वो 25,500 रुपये किया जाए, इस पर भी आपकी कुछ चर्चा हुई है, कहाँ तक तो बात पहुँची है या वो आपका कर्मी कंसर्न चलता रहेगा? चर्चा तो 24 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री ने 18 जनवरी को सचिवालय में लगभग 60 संगठनों की बैठक ली थी, 3 घंटे मैराथन बैठक में मैं खुद भी था, मेरे महासंघ के प्रतिनिधित्व कर रहा था, मुख्यमंत्री ने सबको बड़े सहनशीलता से सुना, कोई 10 मिनट बोल रहा, कोई 2 मिनट बोल रही, जबकि मुख्य सचिव महोदय कई बार बीच बीच में 3 मिनट का उन्होंने टाइम दिया था सबको, लेकिन घंटी बजाए तो भी मुख्यमंत्री नहीं कहते भाई बोलते जाओ। तो 18 जनवरी और 18 जनवरी के बाद 10 फरवरी को बजट आया, सबको ये उम्मीद थी कि संगठन के लोगों को कि भाई अब के जो बजट आएगा उसमें जनता के साथ साथ कर्मचारी संगठन जो विभिन्न वर्गों के उनको भी काफ़ी कुछ मिलेगा। मैं मेरी बताऊं, मैंने इतने वर्ष हो गए मैंने कभी बजट नहीं देखा है, पूरा बजट 3 घंटे 4 घंटे का, केवल इसलिए देखा कि मुख्यमंत्री ने हमको आशा ये बंधा दी कि आपके बहुत बढ़िया, और मुख्यमंत्री खुद भी कहते हैं आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा, हमको बहुत आशा थी। लेकिन हुआ इसके उलट, 10 फरवरी को बजट आया, न किसी भी वर्ग के कर्मचारियों को, जैसे जनरल मांग करूं मैं, हमारी एक जनरल मांग थी 8, 16, 24 और 32 4 पदोन्नति हमको मिले, जो अभी फिलहाल 9, 18, 27 मिलती है, नहीं हुआ। हमने 14 फरवरी को मुख्यमंत्री को जा कर के CMR में मैंने कहा सर आज हम आपको धन्यवाद और कुछ ज्ञापित करने नहीं आए हैं, हम खास तौर पे एक तो राजस्थान के बाबुओं की जो निराशा है उसे अवगत कराने आए हैं कि बाबू लोग निराश हैं, हमको जो आशा थी वो नहीं हुआ। मुख्यमंत्री क्यों क्या हुआ, मैंने तो बहुत कुछ दिया, ये मैंने कहा जो दिया उसके तो हम आपके एहसान मनते हैं, लेकिन जो 18 जनवरी को जो आपने जिस मैराथन बैठक की थी उस मैराथन बैठक का कहीं अंश आपके बजट भाषण में नहीं आया। तो एक ही मांग पूरी नहीं हुई उसमें से? नहीं, कुछ सारे जो भी संगठन है ना 60 के 60 वो निराश है। तो आप पे क्यों भरोसा करें जब आप सबको एक साथ लेके चलने की बात करते, तो आपके कर्मचारी संगठन अन्य कर्मचारी नेता हैं डूंगर सिंह शंभू सिंह सहित तमाम नेता हैं जो आपके संगठन में आ नहीं रहे, आप में आपस में फूट? देखो ऐसा है, अब जहाँ तक जो ये जो जिन्होंने के नाम बताए आप, राज सिंह है, मनोज है, शंभू सिंह है, इन सब के साइन है, और आज पूरे राजस्थान के, ये तो व्हाट्सएप का ग्रुप है, व्हाट्सएप चलता है आजकल, तो व्हाट्सएप पे सब इनको ट्रोल कर रहे हैं कि जब आपने एकता कर ली, एकता पे साइन कर दिए तो आप ये क्यों ने मंत्रालय मंच एकता पर आ रहे हैं। तो हमको ये उम्मीद है, आपने देखा होगा तथाकथित महासंघ ने 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश की घोषणा कर रखी, और हमारा 16 मार्च से ये क्रमिक अनशन चल रहा है, तो आपको मंत्रालय के कर्मचारी एकता में, और जो एकता के करने के बाद भी जो मैदान छोड़ के चले गए वो 10 तारीख को ही मालूम पड़ जाएगा कि उनके आह्वान पर कितने राजस्थान के कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहते हैं, ये 10 अप्रैल को आपको मालूम पड़ जाएगा। लेकिन फूट तो है ना, सरकार को तो दिख ही रहा है कि जब ये एक नहीं है तो हम किसको माने, आपको दें, उनको दें, किसको दें? इसका जवाब यही है कि 10 अप्रैल के बाद 2-3 इनका है, 10 अप्रैल से 17 अप्रैल तक सामूहिक अवकाश तथाकथित लोग, और 17 अप्रैल को है महापड़ा, तो इनके 17 अप्रैल तक हफ्तों हमारा देखो बदस्तूर चलता रहेगा, ये
और हो सकता है कि हम जल्दी ही इसको आमरण अनशन पर प्रारंभ कर दें। अभी मैं सोमवार को मेरा लोकतांत्रिक महासंघ का एक ज्ञापन ACS वित्त को दे के आया हूँ, और मैंने उनसे कहा था कि साहब आप इनको वार्ता के लिए तो बुलाओ, हो इनकी क्या तकलीफ है, क्या बात है, क्या नहीं। उन्होंने कहा कि भाई बुला लेंगे। वार्ता तो एक बार नहीं, कई बार हो चुकी, वो तो सब पता है उनको। लेकिन अब हमने भी ये निश्चय किया कि इनकी 10 अप्रैल और 17 अप्रैल को देखने के बाद फिर हम पूरे राजस्थान के कर्मचारियों को शहीद स्मारक पर बुलाएंगे और फिर CM से हम बात करेंगे। CM से बात उसी दिशा में करेंगे कि सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे और हमारी ये आप CM से पहले बात कर चुके हैं, फिर आप कह रहे हो हम CM से बात करेंगे, तो आपकी बात अटक कहाँ रही? या तो अधिकारी आपको नीचे बता नहीं पा रहे हैं, नीचे समझा नहीं पा रहे हैं कि हमको कैसे करना है, या आपकी बात सुनी नहीं जा रही है, इग्नोर किया जा रहा है? अभी सरकार और अधिकारी असमंजस में है कि हम तो पाँच पाँच ही बैठ रहे हैं अभी डिपार्टमेंट के वाइज। वो असमंजस में है, वो भी ये देखना चाहती है कि ये मंत्रालय एकता मंच सबके सहमति से बना है, और 10 अप्रैल के बाद 10 अप्रैल को कितने एक लोग जो उसमें लगभग मान लो ये अकेला ही है, लेकिन जो कुछ है मंत्रालय वर्ग के लोग, कुछ थोड़े बहुत जो इस सामूहिक अवकाश से मालूम पड़ जाएगा उससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, तो उस वक्त उसके बाद फिर हम धड़ल्ले से मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उनको कह भी देंगे कि मंत्रालय एकता मंच के साथ पूरा राजस्थान का बाबू है और अब हमारी ये मांगे आप, पहले भी आपने आश्वस्त कर दिया था, अब इसको माने, और आपका चुनावी वर्ष भी है, चुनाव वर्ष में आपने बहुत कुछ अच्छा दिया है, OPS दिया जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, 1,00,000 भी वर्कचार्ज कर्मचारियों को आपने तोहफा दिया है, उनको पदोन्नति भी दी है, जो रिटायर हुआ उनको भी दिया है, काफ़ी कुछ उन्होंने दिया है। तो आपके साथ जो कर्मचारी कर्मी कंसन पर बैठे हैं वो तो ये मान लें कि अब 10 अप्रैल तक तो आपको बैठना ही पड़ेगा, ये कोई सुनने वाले नहीं। उसके बीच हमारी एक फॉर्मूले एक वार्ता तो होनी है, जैसे ACS वितरण ने हमसे कहा है। आप कह रहे हैं कि 10 अप्रैल को वो भी आह्वान कर रहे हैं, तो सरकार उनका भी देखेगी कि किस किस कर्मचारी संगठन में ज़्यादा वजन है, जिनके साथ ज़्यादा कर्मचारी। हाँ नहीं, वो तो देखो सरकार तो सरकार ही होती है, वो तो सारा देख के इवन बट देखेगी कौन क्या है क्या नहीं है, हम किसी को दे दें और दूसरा संगठन आके आ जाए तो वो दिया ना दिया ही बराबर हो जाए। तो निश्चित रूप से देखो हमारा 10 अप्रैल तक तो ये कर्मिंग अनशन चलना ही चलना है। तो कई कर्मचारी नेता हैं वो तो आपके नेतृत्व से भी नाराज हैं। देखो साहब, इसका जवाब तो यही है, ये हिंदुस्तान लोकतांत्रिक पद्धति का, आज चाहे अपन कोई CM ले लें, PM ले लें, कोई मंत्री ले लें, तो सब कोई सर्वमान्य तो आज कोई नेता है भी नहीं, चाहे वो कर्मचारी नेता हो कि भाई एक कर्मचारी नेता के आह्वान करते ही पूरा उमड़ के पड़ेगा, तो सर्वमान्य तो कोई किसी भी। लेकिन उनका ये मानना हो सकता है कि आप रिटायरमेंट हो गया, आपने रिटायरमेंट ले लिया, अब आप कर्मचारी को नेतृत्व कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि अभी जो वर्किंग कर्मचारी नेता हैं काम कर रहे हैं वो ज़्यादा अपनी बातों को सरकार के सामने रख सके। ये तो इसका जवाब तो मैं यही दे सकता हूँ, मेरे को 11 वर्ष पूरे हो गए सेवानिवृत्त में, और उसके बाद से मैं लगातार सक्रियता से जो वर्किंग वाले जो नेता उससे भी ज़्यादा सक्रियता से मैं कर्मचारियों की हितैषी और उनकी मांग पत्र उठाते रहा हूँ। उसका तो जवाब यही है कि अभी जैसे ये तो खैर मीटिंगें अब लेना चालू किए, जब कोरोना काल में मुख्यमंत्री जब VC लेते थे उसमें भी पूरे राजस्थान से 60-70 लोग जुड़ते थे, तो उसमें से सिर्फ 10 महासंघों को मुख्यमंत्री खुद यूँ यस 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 करता था, तो 10 महासंघों को ही मुख्यमंत्री सुनते थे, उसमें पहला कभी मेरा नाम होता था कभी उसका। तो ऐसा कुछ नहीं है कि साहब रिटायर आदमी के है, मैंने मेरी जो क्षमता रिटायरमेंट के बाद उल्टी ज़्यादा क्षमता से मैं काम कर रहा हूँ, और सबको सरकार को और मुख्यमंत्री जी को और जो लीडर्स हैं वर्किंग लीडर जो नौकरी में हैं उनको भी एहसास करा दिया है कि भाई ये रिटायर तो है लेकिन पूरे दमखम के साथ सक्रियता के साथ कर्मचारियों की आवाज़ उठाता है। मेरा लोकतांत्रिक मास है पूरे राजस्थान में, मैं सोमवार को ACS वित्त को ज्ञापन दे के आया, कल हमारे जो वहाँ के बीकानेर संभाग के लोग वहाँ संभागीय आयुक्त को देंगे, ऐसे कंटिन्यूसली मेरे महासंघ के लोग
10 अप्रैल तक मान के जो 10-15 जिलों में जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर कर उनको ये मांग करेंगे कि मंत्रालय एकता मंच ने जो कर्मिंग अनशन चालू कर रखा है इनकी बात सुने, नहीं तो लोकतांत्रिक महासंघ इनके आंदोलन में सशक्त रूप से शामिल होकर और इनकी मांगों को मनवाने के लिए मजबूर होगा। ये सारे ज्ञापन कल से चालू हो गए हमारे। तो अब आप कहाँ मानेंगे, मान लो सरकार आपकी सुन नहीं रही है, पांचों मांगों पर आप चाहते हैं सरकार आश्वस्त करें, या इनमें से कोई आपकी प्रमुख मांग है जो मान ली तो हम आप अनशन समाप्त कर देंगे? देखो साहब, मांगे जो जब भी कभी कोई देता है कोई संघ महासंघ, तो वो मांगे तो काफ़ी कुछ खुश होती है, लेकिन प्रायोरिटी होती है कि भाई ठीक है, जब सरकार के टेबल पे जब हम जाएंगे तो हमको ये पता है कि जैसे मान लो अगर आज आपका इसका जवाब यही है इन पाँच मांगों में, ये तो 42 ग्रेड पे अगर हमको सरकार दे देती है, उसका आदेश कर देती है, और दूसरा ये शीतलन मतलब रिलैक्सेशन दे दे एक बार, इन दो मांगों के बाद भी हम हमारा जो जो है कर्मिंग अनशन वगैरह उसको हम समाप्त करने की बात कर सकते हैं और आगे हम इसको बढ़ा नहीं सकते। पांचों माने नहीं, 4200 ग्रेड पे दूसरी वेतन वृद्धि मुख्य, तो ये है 25500 ये प्रारंभिक अंश ले पेगा। मंत्रालय एकता मंच के नेता सूरज प्रकाश चाक, उन्होंने हमारे से खास बातचीत की पांच मांगों को लेकर। इनका कर्मी कंसर्न सैदिस मार्ग पर चल रहा है और चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने, पांच में से दो मांगे भी सरकार मानती है तो ये अनशन समाप्त करने का काम कर सकते हैं और सरकार के साथ जो वार्ता है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्कार।